इस न्यूज के प्रायोजक है english.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने पढ़ने बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ओडिचार अकेडमी english.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। बारासिनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिछले दिनों हैदराबाद का माने गए एक मजदूर का हैदराबाद में फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था, जहां युवक के मजदूर द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब ऐसे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां मृतक के परिजनों ने बड़े पुत्र की तरह ही छोटे पुत्र की भी हत्या की जाने की आशंका जताते हुए सोमवार को SP कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले की जाँच कर दोषियों को गिरफ्तार करने और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की गई। SP कार्यालय में ज्ञापन सौंपने पहुंचे परिजनों का आरोप है कि इसके पूर्व उनका बड़ा पुत्र भी स्थानीय ठेकेदार और कुछ लोगों के साथ मजदूरी का कार्य करने हैदराबाद गया था, जिसका शव भी फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था। उस समय भी उस घटना को आत्महत्या बताया गया था। अभी करीब 2 माह पूर्व उनका छोटा बेटा उसी ठेकेदार और अन्य 3-4 लोगों के साथ कमाने के लिए हैदराबाद गया था और उसका शव भी फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। इन दोनों ही घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ते हुए परिजनों ने हैदराबाद काम पर जाने वाले ठेकेदार और उसके 2-3 साथियों पर उनके पुत्र की हत्या किए जाने की आशंका जताई। साथ ही मामले की जाँच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की। बताइए कैसे आए थे? अपन आए थे, अपने भाई को एक्सपायर हुआ था हैदराबाद में, उसको फांसी में लगा हुआ था। SP साहब के पास आए थे तो यहाँ रिपोर्ट नहीं ले पा रहे थे वार्सिन थाने में, तो अपन SP साहब के पास आए थे, तो जापान लेने आए थे तो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं ले पा रहे थे उधर, तो अपन बालाघाट इस वजह से आए कि हमारा रिपोर्ट हो पाएगा। हमको जिसके ऊपर डाउट है उस पर अपन रिपोर्ट करना चाहते हैं। पूरा मामला बताइए, कहाँ गए थे जॉब करने और क्या था? हैदराबाद गए थे जी। कब गए थे? बोले 2 महीने पहले। क्या नाम था उनका? प्रवीण सिंह। अच्छा, क्या हुआ उनके साथ? वो क्या हुआ, अपन फिर अपन थे साथ में। तुम भी साथ में थे? हाँ, नहीं थे जी। उसको मार दिया गया है, उसको फांसी में लगा गया है, बोले तो डाउट 3 जन में। वो आने के काम करने के लिए लेके गए उसको। किसको? प्रवीण कुमरे। कौन है प्रवीण कुमरे? प्रवीण कुमरे मेरा बेटा है। कहाँ लेके गए थे, कितने लेके गए थे, क्यों लेके गए? लेके गए रमेश कुसाम ठेकेदार। हाँ, यानी कि वो ऐसा धंधा कर ही रहा है कि इनका मेरा बच्चा बड़ा वाला बच्चे को भी उसने वैसे किया, और उसने ले जाने के बाद में इनको कैसे करता है क्या करता है तो मेरे को तो नहीं पता उतना। अगर ये दोनों लड़के ने उनको, मेरे लड़के ने उनको लेके गए तो दोनों लड़के ने उनको उसने मार के मेरे घर बीच में गया, यानी कि उनके बीच में क्या हो रहा था कि ना बात नहीं कर रहे हैं ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही बोला उसने कि मम्मी मेरे से ऐसे यानी कि काम करवा रहे हैं, खाना पीना सही ढंग से नहीं दे रहे हैं और सही से मेरे साथ में रह बोल चाल नहीं कर रहे हैं, बोल को वो इतने बताए।